जो भी डबल बेडरूम घर देने वाले हैं, आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन से लोन देने वाले हैं, सब सारे माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा, आपके हिस्सा आपको बराबर मिल जाएंगे, आपके घर पे मिल जाएंगे। आके पूछने का, दरखास्त रखने का कोई जरूरी नहीं है। और परसों में देखा, पिछले बार भी छवल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने यह कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले है। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है, 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं ये तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के, 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए मैं रमजान जो महीना है, बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है, अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो एमआईएम के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए, इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना, इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियां से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो, तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए आपके मदद बहुत जरूरी है। आप लोगों को साथ में लेकर, हिंदू मुसलमान मेरे लिए दो आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो कोई भी सही तरीका से नहीं चल सकते, इसीलिए इस हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही ये सरकार सेक्युलर सरकार बनेंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे और हैदराबाद शहर को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी हमारी है। जो रूरल एरिया में है, आज के दिन हम जितने भी चेयरमैन बनाए यहीं पर है। आप लोगों को मालूम है, अजमतुल्ला साहब को हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए और हमारे भाइयों को 4-4 चेयरमैन दिए, 4 के 4 अभी मंच पे बैठा हुआ है। इसका मतलब हम कभी भी कुछ डिसीजन लिए तो हर बार हम सोचते भाई हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों का हिस्सा भी उन लोगों को बराबर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं साफ कह रहा हूँ, 4% रिजर्वेशन के लिए माइनॉरिटी टीम्स को स्कूल्स के अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम फंड्स भी रिलीज कर दिए। और एजुकेशन के लिए आपको जो जरूरी है, हर गरीब को एजुकेशन में हम लोग माइनॉरिटी टीम्स में अच्छे का सुझाव लेकर हम आगे जाएंगे। नौकरियों में भी नोटिफिकेशन देते जा रहे हैं, इसी एलपी स्टेडियम में हमारा नौकरियों का जो बच्चों को दिलाए और यही हमारा सरकार बने। एलपी स्टेडियम का मतलब यहाँ पर जो भी होते वो पत्थर के लकीर है,